हर किसी का सपना होता है कि वो भी एक दिन अमीर बने और ऐसो आराम की ज़िंदगी जिए। भारत में अमीरों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है गोल्ड। हमारे यहाँ कई ऐसे गोल्ड के शौकीन हैं जिन्होंने गोल्डन शर्ट से लेकर शरीर पर खूब सोना पहनते हैं। बॉलीवुड सिंगर बप्पी लहरी को ही ले लीजिए, उन्होंने शरीर में इतना सोना पहना है कि हर कहीं उनकी चर्चा होती है। राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे के छोटे से कस्बे उमरलई के मोहन देवासी भी गोल्ड के शौकीन हैं और अपने गले एवं हाथों में इतना सोना पहनते हैं कि लोग इन्हें गोल्डन मैन के नाम से पुकारने लगे हैं। मोहन देवासी बालोतरा कस्बे के उमरलई में जन्मे हैं और पूना में अपना गेस्ट हाउस चलाते हैं। बचपन से ही उन्हें सोना पहनने का शौक था, हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि अपनी तृष्णा पूरी कर सके, लेकिन अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने काफ़ी मशक्कत की और अब वो 24 घंटे इतना सोना पहने रहते हैं कि हर कोई उनके इस रूप को देखकर सेल्फी लिए बिना नहीं जाता। मोहन देवासी के अनुसार वह रायका समाज से आते हैं जिनका पुश्तैनी काम भेड़ बकरियां चराना है। देवासी के अनुसार वह स्वयं 10 वर्ष तक भेड़ बकरी चरा चुके हैं और उसके बाद पूना में होटल पर मजदूरी भी की है। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो उन्होंने पूना में ही गेस्ट हाउस खरीद लिया और उसका संचालन करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक एक सोने का आइटम बनवाकर पहनना शुरू किया और अब अपने गले और हाथों को 24 घंटे सोने से लाद कर रखते हैं और पहने सोने का टैक्स भी भरते हैं। उनका कहना है कि जब वह सोना उतार देते हैं तो उनका शरीर कंप कपाने लगता है। अमून जी, आपका सफ़र ज़िंदगी का कहाँ से शुरू हुआ और किन परिस्थितियों में शुरू हुआ? मेरा वही छोटा था जब से फिर भेड़ बकरी में जा रहा था, फिर भेड़ बकरी 10 साल तक गया, वहाँ से फिर मैं भाग के पूना गया था। पूना जाने के बाद में फिर मैंने किराने की दुकान में काम किया है, होटल में काम किया है। वो काम करने के बाद वहाँ पर भी फिर वापस मुझे अपना पुरानी याद आई तो मैंने वहाँ पर भी जाके भेड़ बकरी किया है। कम से कम 70-80 भेड़ बकरी रखा था पूना में भी जाके। फिर 1 साल के बाद में वो सब बेच दिया वहाँ पर। बेचने के बाद में फिर मैंने होटल के गेस्ट हाउस का काम चालू किया। अभी गेस्ट हाउस है और साथ में समाज सेवा भी है 18-20 साल से। अच्छा, आपको गोल्डन मैन क्यों कहते हैं? क्यों आपके क्या 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 पहना हुआ है? आपने बताया कि जैसे भगवान के हिसाब से क्या क्या पहना हुआ है? मैंने ब्रेसलेट है और गले में जो भी है वो सब भगवान का, माजी सा का है, बालाजी का है, ये भी है जो है सब भगवान के नाम पे डालता हूँ मैं। और ये नहीं, डर तो कभी मैंने रखा ही नहीं है। और ऐसे मेरे साथ में भंवर जी 25 साल से रहते हैं दिन रात एनी टाइम। मैं सबसे ज़्यादा भंवर जी के ऊपर भी विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आपका ये शौक़ कहाँ से आया? मैं छोटा था जब से, मतलब ये कुछ तो भेड़ बकरी में जा रहा था, फिर टाइम पास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक का वायर वगैरह वो लेके जा रहा था, जैसे काम मिला फिर लेके बनाने का अंगूठी, ठीक है ना, वो बनाने के बाद फिर था। फिर आगे जैसे पूना गए, पगार आया, वैसे 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 चांदी का बनाया, फिर वापस गोल्ड का, बस अभी तक पहुँचा हुआ। अच्छा, अब समाज के लिए आपने कुछ किया है? मैंने समाज के लिए, अगर समाज का 36 कोम का, ऐसे नहीं कि हमारी समाज 36 कोम का कहाँ भी अगर काम पड़ रहा है, अगर मुझे कॉल करता है मैं वहाँ जाता हूँ, जितना मेरे से होता है मैं वहाँ पर करता हूँ समाज सेवा। अच्छा, ऐसे। और अभी आपका क्या सपना है ये गोल्डन मैन आपके साथ में सेल्फी लोग लेते हैं? बहुत लेते, बहुत, राजस्थान के अंदर तो ज़्यादा ही है और महाराष्ट्र में तो सब गोल्डन मैन ही है मेरे से ज़्यादा, वरना राजस्थान में आया तो ज़रा होता ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए तो अब आपका क्या सपना आगे आगे देखते हैं, अभी जैसे हो रहा है और भी सोचेंगे कुछ तो अलग बनाने के लिए।